अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिसंबर शुरू है और सर्दियां भी दबा के, जैसे कि अभी आपने देखा है धुंध, आसपास बर्फ़ हुई है कुछ छोटे छोटे विलेजेस में, कंट्री साइड पे, लेकिन फ़िलहाल हमारे टाउन में तभी तक बर्फ़ नहीं हुई, लेकिन ठंड दबा के हो गई है। -2 है आज और विजिबिलिटी तो बिल्कुल रोड पे बहुत हार्डली आपको शायद कोई गाड़ी नज़र आए। तो सूरज भी बिल्कुल डॉट ही नज़र आ रहा है, एक छोटा सा लेक तो बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रही। टाइनी ड्रॉप्स, गाड़ी में 1.5 बता रहा है, स्नो की वार्निंग भी आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो स्नो नहीं है। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। बहुत कम ही इतनी धूप देखने को मिलती है, दिन में बारिश रहती है हर वक्त। आज तो बहुत ज़्यादा धुंध है क्योंकि बारिश नहीं हुई शायद। आज यहाँ भी संडे, कोई ट्रैफिक नहीं है रोड पे, शॉप्स भी सारी बंद ही होनी है। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल नहीं है, दिन को रात को बहुत मुश्किल हो जाएगी। जाकर डक्स के हालात देख के आते हैं राउंड ओ पार्क में। सूरज देखो बिल्कुल एक नुकता से ही नज़र आ रहा है, लगता है कि फिल्टर लगाया हुआ है। सारे बोट्स निकाल रहे हैं, सीजन और हो गया इसलिए। पानी कितना ऊपर आ गया, बारिश शायद पैदा होती नहीं है। नीचे ना आ जाना, लेक के उस साइड पे हमारा घर है लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, धुंध इतनी ज़्यादा है। यहाँ से सब बोट्स वाले पानी और बिजली वगैरह यहाँ से लेते हैं। इधर इनके पास एक कार्ड होता है जो डालते हैं, जिससे टॉपअप वगैरह इन्होंने करना हो तो। हल्की हल्की सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। सूरज ने थोड़ा सा जोर पकड़ा है। सूरज निकलेगा तभी कोई दिन का काम स्टार्ट होने है। फिलहाल तक तो बहुत ही लो विजिबिलिटी है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वाटर लेवल भी राइज़ हुआ, पिछले कुछ तकरीबन 2 हफ्तों से बारिश हो रही थी, इस वजह से पानी काफ़ी ऊपर आ चुका है। लेक के इसके अंदर क्योंकि रिवर सिस्टम तो है नहीं है कि दरिया में चला जाए, लेक का पानी सारा इधर ही रहना है, आस्ता आस्ता ही खुद ही वेपरेट होगा। इस ठंड में भी ये लोग बोट्स में रहते हैं। देखें कुछ लोग पीछे कुकिंग वगैरह कर रहे हैं बोट के अंदर, इधर ही रहते हैं ये, रात को भी इन्होंने इधर ही गुजारना है इस ठंड में। हम लोगों को घर में सर्दी लग रही होती है। इस वेदर में तमाम एक्टिविटीज़ सब कुछ बंद हो जाता है, सब टूरिज़म वगैरह बिजनेसेस वगैरह। क्वाइट वेदर देख रहे हैं आप, ऐसा वेदर है। इस वेदर में ना तो किसी का निकलने का दिल करता है और ना कुछ करने को दिल करता है बंदे का। टूरिस्ट प्लेस तो बिल्कुल ही बंद। सब लोग अब समर का इंतज़ार करेंगे, मार्च के बाद आस्ता आस्ता हालात ठीक होंगे। फरवरी तक तो दबा के ठंड होगी। इस दफ़ा सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद क्रिसमस पे स्नो हो, लेकिन देखें ये आज का वेदर है। लोग डॉग्स को लेकर निकले हुए जी, जिन लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं ख़ासतौर पर डॉग्स, इनको बाहर लाजमी निकलना पड़ता है वॉक के लिए। चेक कर बंदा भी बोट से निकला है अपने डॉग को लेके। आया क्या बाहर की कंडीशन है, हर जगह पे धुंध ही धुंध है। वैसे भी संडे हर चीज़ बंद, संडे इज़ ऑलवेज वेरी बोरिंग यार, हर चीज़ बंद होती है। और विंटर हो जाए स्पेशली तो सोने में सुहागा। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।